यो व्हाट इज़ अप एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो वेलकम, आते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बड़ा नया सा था मेरे लिए। एक इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन हुई मुझे कि जब हमारी लाइफ में सब कुछ होता है तो हम प्रॉब्लम्स ढूंढने लगते हैं उसमें। जब प्रॉब्लम कोई इतनी सॉलिड होती नहीं है, थैंक गॉड कि भाई हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है और कुछ खास इतनी कोई इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती नहीं है, तो हम प्रॉब्लम्स ढूंढना शुरू कर देते हैं लाइफ में। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कोई अपना काम कर रहे हैं, लेट्स से आप स्टूडेंट ही है, आपके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, आप कोई सब कुछ सही चल रहा है, दोस्त यार सब कुछ ठीक है, आप एक रिलेशनशिप में है, सब कुछ सही है, हम कुछ ना कुछ चीज़ों में कमियाँ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि यार इसकी बंदी तो ऐसी है या फिर इसका बॉयफ्रेंड ऐसा है, मेरा बॉयफ्रेंड क्यों ऐसा नहीं है, और ये लोग तो शॉपिंग पे जाते हैं, हम लोग शॉपिंग पे नहीं जाते, ये लोग बाहर जाते हैं खाने। खैर कोविड की वजह से ये टंठा ख़त्म हो गया यार, बाहर जाने का बहुत ही बड़ी सरदर्दी होती थी, वो ख़त्म हो गई है। सॉरी गर्ल्स, सॉरी गाइज, जिनको शौक है बाहर जाने का, भाई मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी राहत वाला टाइम है कि बाहर नहीं जाना पड़ता। खैर उसे साइड में रखते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं कि जी हमारे पास जब सब कुछ होता है ना लाइफ में एक हद तक, मतलब देर इज़ नो परफेक्ट सिचुएशन, राइट, देर इज़ नथिंग दैट इज़ यू नो परफेक्ट, देर वोंट बी अ परफेक्ट सिचुएशन। लेट्स से आज से लेट्स से इमेजिन करो कि भाई एक टाइम आया, सब कुछ है आपके पास, जो भी आप चाहते हो आपके पास सब कुछ है, तब भी कोई ना कोई चीज़ें होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगी जिनकी वजह से आप परेशान होगे और आप बोलोगे यार ये नहीं होता ना तो बेटर होता, या फिर ये चेंज हो जाए तो बेटर है। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ यू नो हार्ड टू अटेन, दैट परफेक्शन और दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंसान एक सबसे ज़्यादा अनसेटिस्फाइड बींग है, एंड दैट्स द रीज़न वाई ये मार्केटिंग स्कीम्स चलती है, ये अलग अलग नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार हमारे पास वो आ जाए तो शायद बेटर हो जाएगा, ये नई गाड़ी आ जाए, नए कपड़े आ जाए, नया फ़ोन आ जाए, आईफोन आ जाए, आईफोन 11X आ जाए, 12 आ जाए, पता नहीं कौन कौन से फ़ोन आ गए हैं, सब आ जाए तो शायद हमारी लाइफ थोड़ी सी बेटर होगी। बट द रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। द थिंग इज़ द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इज़ समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से आती है वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। कुछ लोग सिंपल से सिंपल सिचुएशन में सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों में भी सेटिस्फाइड नहीं होते। और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई जब अभी रिसेंटली मैंने अपने आईएलएस का एग्ज़ाम दिया। मेरे दिमाग में था कि यार शायद मेरे काम को एक बेटर पहचान मिलेगी, एक बेटर अप्रिसिएशन मिलेगी अगर मैं इंडिया से बाहर जाऊँगा, विच इज़ ट्रू टू एन एक्सटेंट, कि अगर मैं अपने काम को इंडिया से बाहर करता हूँ, लेट्स से मैं अगर फोटोग्राफी करता हूँ एक तरीके की, या फिर एक तरीके का मैं डिज़ाइन करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन करता हूँ, ब्रांडिंग करता हूँ एक तरीके की, उसकी शायद इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू इंडिया, विच इज़ ट्रू, अगेन आई वोंट डिनाई दैट। क्यों? क्योंकि भाई देखो इंडिया में सबसे बड़ी बात है ब्रांड्स जो होते हैं जो मेरा काम खरीदते हैं, या फोटोग्राफी जो करते हैं लोग, आप लोग अगर फोटोग्राफर्स हैं, अगर आप लोग वीडियोग्राफर्स हैं, कोई भी लोग अगर आप फ्रीलांसर्स हैं या कोई स्किल बेस्ड काम करते हो और आपको लगता है कि हाँ मेरे काम की इस जगह से ज़्यादा किसी और जगह पे कदर होगी, क्योंकि इंडिया में मार्केट जो है वो इतनी हाई परचेजिंग पावर रखती नहीं है, हमें चलता है कोई भी ब्रांड है यार, किसी को लग रहा है कि मुझे ना मार्केटिंग करानी है, मुझे सोशल मीडिया बनवाना है अपना, बट चलता है भाई 10,000 में कर दो, 5,000 में कर दो, व्हाटएवर, तो इंडिया में चलता है वाला हिसाब बहुत है। और इसलिए जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट कुछ करना चाहते हैं, जो क्रिएटिविटी जिनके अंदर लगता है कि हाँ यार मेरा काम अच्छा होना चाहिए, और अपने आप को खुद चैलेंज करते हैं एवरी नाउ एंड देन टू इंक्रीज़ द क्वालिटी ऑफ द वर्क, दीज काइंड ऑफ पीपल डोंट फील वेरी सेटिस्फाइड इन दिस कंट्री, और उसी वजह से लगता है कि यार बाहर चले जाएंगे ना तो शायद सब अच्छा हो जाएगा, इंडिया से बाहर चले जाएंगे, या फिर हम किसी ऐसे क्लाइंट मिल जाए हमें कि पूरी बहुत बढ़िया ब्रांड मिल जाए तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैंने क्या किया कि मैंने आईएलएस का एग्ज़ाम दिया, मेरे दिमाग में था कि हाँ मुझे जाना है बाहर, तो मैंने आईएलएस का एग्ज़ाम दिया, वो आईएलएस के एग्ज़ाम देते हुए मुझे इतनी सारी रियलाइजेशंस हुई कि सबसे पहली चीज़ कि कुछ लोगों के लिए शायद वही एक ऑप्शन था। मैं जब एग्ज़ाम देने गया था, बहुत सारे लोग थे जो लोग इतने परेशान थे उस एग्ज़ाम से पहले कि जैसे भाई जीने मरने वाली बात है, अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा लाइफ में। और आई डोंट डिनाई दिस, बहुत लोगों की शायद ऐसी सिचुएशन भी होगी, वो शायद दूसरी तीसरी बारी पेपर दे रहे होंगे, 14,000 का पेपर होता है एक, माइंड यू 14,000 का एग्ज़ाम होता है वो, और वो एग्ज़ाम 2-3 बारी देना, तो आप इमेजिन कर लो, डू द मैथ्स, इट इज़ एक्सपेंसिव एज फक, सबसे पहली बात। उसके बाद आपके अंदर से खुद लगेगा कि यार अगर मैं यहीं पर अटका हुआ हूँ तो मैं आगे क्या करूँगा,
खैर वो एग्ज़ाम देने गया तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई जो मेरी लाइफ में है वो बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है सेंस ऑफ फ्रीडम। मैं अपने टाइम से उठता हूँ, अपने टाइम से सोता हूँ, अपने जब भी मुझे जाना होता है तो जाता हूँ, बाहर नहीं जाना होता नहीं जाता हूँ। दैट्स द रीज़न वाई मैं सोशलाइज भी नहीं करता हूँ, बिकॉज आई चूज़ नॉट टू डू दैट। आई हैव दैट फ्रीडम, आई हैव दैट लग्जरी इन माई लाइफ टू चूज थिंग्स एंड टू डू थिंग्स द वे आई वॉन्ट टू। वैसे लेट्स से आप एक सिचुएशन में हैं और आप आज शायद आपको लग रहा है कि यार अगर मैं लेट्स से आप जॉब में हो और आपको लग रहा है कि यार ये जॉब से निकल जाऊँ ना मेरी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, जब मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगा तो मेरी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, तो एक बार ही प्लीज़ आसपास देखो, उन एग्जांपल्स को देखो जो एग्जांपल्स कोई देता नहीं है। अनसक्सेसफुल बिजनेसेस के एग्जांपल्स देखो, अनसक्सेसफुल फ्रीलांसर्स के एग्जांपल्स देखो, उन फ्रीलांसर्स से बात करो जो उन लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कैसा होता है भाई महीने महीने बिना पेमेंट के बैठना। सेकेंडली ये सोचो कि इस टाइम पे स्पेशली कोविड के टाइम पे अगर आपके पास जॉब है तो प्लीज़ बी वेरी थैंकफुल, अगर आपके पास फैमिली है तो प्लीज़ बी वेरी थैंकफुल, अगर आपकी प्लेट में मनपसंद का खाना है तो प्लीज़ बी वेरी थैंकफुल, अगर आपके प्लेट में खाना है तो प्लीज़ बी वेरी थैंकफुल, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं अपने लैपटॉप में अपने फ़ोन में टाइम निकाल के आराम से, प्लीज़ बी वेरी थैंकफुल। हमारी लाइफ में बहुत चीज़ें जो होती है हम अनदेखा कर देते हैं और जो शायद जो आपसे नीचे है वो चाहता हो कि काश यार मेरी ज़िंदगी इस बंदे की तरह हो, एंड वी आर नॉट थैंकफुल फॉर दैट। सो प्लीज़ 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 स्टार्ट बींग लिटिल मोर थैंकफुल अबाउट लाइफ, क्योंकि बहुत लोग ऐसी सिचुएशंस में है जिसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं है प्लीज़ 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 इस चीज़ को आप चेरिश करिए, इस चीज़ को इन्जॉय करिए। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई घर पे बैठ जाओ कि हाँ जी मेरी लाइफ सही है, मेरा सब कुछ सही है तो मैं कुछ आगे नहीं बढ़ूँगा। बिल्कुल आगे बढ़ो, अपने काम को बेटर करो, अपने आर्ट को बेटर करो, आप जो भी काम करते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के बाद क्या करना है क्या नहीं करना, उन सब चीज़ों पे आपके जो भी एस्पिरेशन है प्लीज़ उन पर स्टिक करो, बट डोंट मेक इट ऑल अबाउट दैट, लाइक डोंट मेक योर लाइफ ऑल अबाउट वॉट यू डू। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, घूमना फिरना, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, इन सब चीज़ों को वैल्यू दो एंड अंडरस्टैंड दैट योर वर्क और योर प्रोफेशनल लाइफ और योर वट एवर एस्पिरेशन यू हैव इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ। दैट्स इट, सिंपल सा वीडियो, जस्ट बी अ लिटिल मोर थैंकफुल। दिस इज प्रतीक साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड वन, पीस।